आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो पे एंड आशा करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप ये जो चीज़ देख रहे हैं ये पेल्टियर है एंड पेल्टियर मोस्टली यूज़ होता है पोर्टेबल एसीज़ के लिए। अदरवाइज आपको किसी चीज़ को ज़्यादा टेम्परेचर पे रखना है, लेट से 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक उठा, मतलब उतनी गर्मी चाहिए, तो ये पेल्टियर बहुत अच्छे साबित होते हैं। सो एट प्रेजेंट आपके सामने जो दिखाया जा रहा है पेल्टियर, ये सब लो टेक पेल्टियर हैं। इसी में ही है ना 15 जो एंडिंग विथ 06 जो आपको ये दिख रहा है, ये 15 में भी होता है, एंडिंग विथ 15 आ जाता है, या इससे भी अपग्रेडेड वर्जन्स आते रहते हैं पेल्टियर के। बट नॉर्मल यूज़ के लिए आप पोर्टेबल एसी बनाना चाहते हैं घर पे बैठे, या कुछ आपका बिजनेस है लेट से पोल्ट्री फार्म का, एंड उसमें है ना आपको फार्मिंग करते हैं तो उसमें एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, सो उस चीज के लिए भी आप ये यूज किया जा सकता है। सो एक इसी बेस पे मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है एंड आपके सामने ये चीज पेश कर रहा हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट मोर ऑन पेल्टियर। सो ये पेल्टियर लो टेक है, आपको सस्ते दामों में भी मिल जाएगा एंड हार्डली ये आपको कॉस्ट पड़ेगा फ्रॉम 150 to 170, समटाइम्स आपको 300 के अंदर अंदर के रेंज में भी एक पेल्टियर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको ये जो नंबर दिख रहा है ये टेक्नोलॉजी वन है एंड ये 12 वोल्ट का है एंड 6 एम्पेयर तक का आपको आउटपुट दे सकता है। सो बेस उस पे ही ये पेल्टियर यूज किया जा सकता है एंड आप अगर कोशिश भी करेंगे 24 वोल्ट या लेस देन 12 वोल्ट इनपुट डालने का, तो ये पेल्टियर उस काम नहीं आएगा और आपका पेल्टियर खराब हो जाएगा। नॉर्मली ये पेल्टियर इस तरह से दिखता है, एक तरफ आप इसमें नाम दिया गया हुआ है एंड दूसरी तरफ एक खाली रहता है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे मोस्टली बताया जाता है कि एक तरफ ठंडा होता है, एक तरफ गर्म होता है, जहाँ पे नंबर लिखा रहता है वहाँ पे गर्म हो जाता है या फिर ठंडा हो जाता है एंड दूसरी तरफ या गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है। मैंने बहुत देखा एंड मैंने अपनी तरफ से ट्राई भी किया एंड ये आउटपुट मेरी तरफ से निकल के आया है कि क्या कहते हैं आप ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो भी है ये ग्राउंड का है एंड ये आपका क्या कहते हैं मेन है। सो अगर ये मेन को आप लगाएंगे तो ये यहाँ पे आपका गर्म करेगा एंड पीछे ठंडा कर देगा, एंड अगर इसको उसी को उल्टा लगाते हैं लेट से फॉर एग्जांपल अगर आप सीधा दोनों इनपुट देते हैं तो आपको एक तरफ ठंडा कर देगा एक तरफ गर्म कर देगा, एंड उसी को अगर आपने ये वायरिंग अगर गलत तरीके से उल्टा लगा दिया तो उसी का ही अपोजिट हो जाएगा, तो जहां पे ये नंबर लिखा हुआ है वहां पे गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा या फिर एक तरफ ठंडा या गर्म हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 12 वोल्ट से ज्यादा आप कोई भी यूज ना करें इनपुट के लिए या डायरेक्ट करंट में ना डाल दे, नहीं तो आपका ये चीज पेल्टियर खराब हो जाएगा। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ऑल्सो ये पूरा वाटर प्रूफ रहता है तो आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि आप एक बार आप कहीं डाल दोगे तो आपको कोई करंट लग जाएगा या कुछ भी, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वाटर प्रूफ है। ये इस तरह से आगे पीछे आप देख चुके हैं। सो लेट्स गो थ्रू द प्रोजेक्ट।
सो लेट मी शो यू कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप लेट से यू नो गरम आप गरम कुछ करना चाहते हैं किसी चीज़ को ज़्यादा, या ठंडा एसी पोर्टेबल एसी यूज़ करना चाहते हैं, या किसी रेफ्रिजरेटर के यूज़ के लिए माइनर छोटे छोटे रेफ्रिजरेटर। लेट से आपके पास, आप बैचलर हो उस टाइम आप ये रेफ्रिजरेटर यूज़ कर सकते हो विदाउट एक्चुअल रेफ्रिजरेटर के, ठीक है। सो आपको करना क्या होगा, ये आप ये मेरे राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, मैंने ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी तैयार करके रखा है, एंड आपके रेफरेंस के लिए बस एक मैं बस दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे दो पैटियर ऑलरेडी लगा के रखे हैं, ठीक है। नाउ आपको करना क्या होगा कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये दो पेल्टियर हैं, तो ये जो नंबरिंग जगह पे है, तो या तो ये आप ऊपर लगा लीजिए या उल्टा करके वैसे में ही चिपकाइए, ठीक है। दोनों एक ही वे में होना चाहिए, मतलब ब्लैक रेड ऐसे करके आप चिपकाइए, और जब भी आप फिक्स कर रहे हैं दोनों तरफ मेरे सजेशन के हिसाब से, सो आप ये हीट क्या कहते हैं, हीटिंग पेस्ट आता है, हीटिंग पेस्ट मोस्टली यूज किया जाता है गर्मी जितना होता है वो ट्रांसफर करने के लिए। सो आप ये कंप्यूटर्स में जब भी प्रोसेसर में यूज करते हैं, तो ये सब हीटिंग पेस्ट आपको मिल जाएगा कहीं भी किसी भी कंप्यूटर के दुकान में, तो आप वहां से ये यूज कर सकते हैं। प्लस आपको ये आप देख रहे होंगे, ये एल्युमिनियम का आपका हीट सिंक है, ठीक है, एंड इसी में भी सेम हीट सिंक यहाँ पे भी यूज किया गया है, बट अभी मैंने एट प्रेजेंट निकाल दिया एक हीट सिंक। रीजन है कि आपको मुझे ये चीज दिखाना था। नाउ ये रहा दूसरा हीट सिंक जो कि यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर सकता हूँ अभी से, बट फर्दर मैं आपको दिखाने के चक्कर में मैंने इसको निकाला है, सो बाद में इसको मैं लगा लूंगा, ज्यादा जरूरत नहीं है एट प्रेजेंट, बट लेट्स गो थ्रू द मेन पॉइंट हियर। सो पेस्ट आपको आगे भी इस तरफ भी लगाना है और उस तरफ भी लगाना है, एंड इसको चिपकाने के लिए आप मोस्टली यूज कर सकते हैं फेविक्विक का। सो आप लेट से आपने मोस्ट ऑफ द एरिया, मतलब इतना इतना जितना मैं उंगली का नेल आपको दिख रहा है इतना एरिया पूरा आप पेस्ट लगाइए चारों ओर से, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए सिवाय नो लेट से 2 to 3% जहां तक आप अपना फेविक्विक एक लाइन दे दीजिए चारों ओर, सो दैट आपका ये चीज चिपक जाएगा पेल्टिया। नाउ जब ये पेल्टिया चिपक जाएगा उसको अच्छी तरह से फिक्स कीजिए ताकि ये पेस्ट एक जगह जम जाए और इवन फेविक्विक जम जाए, सो दैट लेट से अगर आपको गरम कहीं पे भी अगर आप है ना कनेक्शन गलत भी कर देते हो, तो आपको या तो पहले आप चेक कर लो, कोई भी बैटरी आप यूज कर लीजिए वहां पे, एंड दोनों बैटरी को यहाँ एक एक ऊपर में प्लस साइन में डाल दीजिए, एक माइनस साइन में डाल के आप इसको अपने फोटो पे चिपका लीजिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कहाँ पे गर्म हो रहा है कहाँ पे ठंडा हो रहा है। सो वही जैसे प्लस एंड माइनस साइन में आप ये यूज कर रहे हैं, तो वही चीज को आप आपके मेन पावर एडाप्टर में यूज कर सकते हैं। नाउ जब ये चीज हो चुका है, तो मैंने ये चीज मोस्टली चिपका दिया, ठीक है, एंड एक आपके रेफरेंस के लिए मैं दिखा रहा हूँ, सो दैट आपको बाद में पता चलेगा कि ओके कहाँ पे क्या गर्मी है कहाँ पे ठंडी है। नाउ जब ये चीज आप ये फिक्स कर चुके होंगे, तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, आप ये दो हीट सिंक एक ठंडे के लिए एक गर्म के लिए, ठीक है, नीचे वाला मैंने गर्म के लिए रख दिया है, ऊपर वाला ठंडे करने के लिए रख दिया है। सो आप ये चीज फिक्स कर सकते हैं बाद में रेफ्रिजरेटर में लगाने के लिए, या आपको कुछ भी पोर्टेबल एसी बनाना है तो फैन इधर पे लगा लीजिए, तो मेरे पास फैन इतना बड़ा वाला है, सो मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा, बट मैं इसको प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रख रहा हूँ। रीजन ये है कि ये फैन आपको यू नो
आपका हवा जितना भी गर्म वाला हवा है, लेट्स से मुझे ठंडा करना है एट प्रेजेंट, ठीक है, तो मैं जितना भी हवा इसका ना बाहर की ओर एग्जॉस्ट करवान एग्जॉस्ट फैन की तरह से अगर यूज करूं तो ये इतना यूजफुल नहीं है। बट अगर आप उधर पे ही वाटर ब्लॉक या एक कोई भी कंटेनर में अगर आप ये सिंक को पानी के अंदर रख देंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कहते हैं, कितना जल्दी आपका एक तरफ ठंडा करता है और एक तरफ गर्म करता है। सो मैं आपको वो शो करते रहूंगा वीडियोस में। नाउ लेट्स टॉक मोर। सो ये जो वायरिंग है, मैंने वायरिंग ऑलरेडी करके रखा है एंड आप ये देख सकते हैं मैंने रेड को ओके लेट्स टॉक सॉरी उससे पहले हम आगे पहले बात करते हैं, बट आपको पावर अडाप्टर क्या यूज करना पड़ेगा वो है। सो आप ये जानते हैं कि ये 6 एम्पेयर का ये पावर ले सकता है, उससे ज्यादा लेगा नहीं, बट उससे बिलो तो आप कोई भी अडाप्टर अगर यूज करते हैं तो बहुत स्लोली या तो ठंडा करेगा या गर्म करेगा ना। तो उसको रेफरेंस के लिए मैंने उसी पावर अडाप्टर को उसकी जगह पे मैंने अपना मेरे पास एक स्पेयर SMPS पड़ा हुआ था। सो SMPS मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये SMPS आपको ये दिख रहा होगा, ये कितना एम्पेयर का है आपको पता चल जाएगा। प्लस जो 12 वोल्ट है ये 24 एम्पेयर का है, प्लस आप अगर ये यूज कर सकते हैं तो आपको +5 वोल्ट 30 एम्पेयर्स का, +3.3 वोल्ट 22 एम्पेयर्स का। सो आप कुछ मल्टीपल कनेक्शन भी यूज किया जा सकता है अगर आपके पास SMPS है तो, और ज्यादा से ज्यादा आप अगर आपको पावर चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसमें आप देख ही रहे होंगे कि 12 वोल्ट के लिए मुझे 24 एम्पेयर मिल रहा है जो कि मैंने कनेक्ट किया है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस 6 एम्पेयर से ज़्यादा पावर लेगा नहीं ना। और मुझे टेम्परेचर एंड ऑल चेक करना है, प्लस अगर मुझे फिटिंग विटिंग कुछ भी करना है कि मुझे मैक्सिमम इतना लेट से मुझे एक टेम्परेचर मेंटेन करना है, से फॉर एग्जांपल 20 सेंटीग्रेड मैक्सिमम होना चाहिए और मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो मैं उसके लिए यहाँ पे ये एक रेगुलेटर यूज कर रहा हूँ। इसको आप टेम्परेचर कंट्रोलर बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा मैक्सिमम ऑफ 200 रुपी में। सो ये इसका वीडियो मैं किसी दिन बनाऊंगा, बट एट प्रेजेंट लेट से ये सब सेटिंग है। इसमें 3 बटन दिए जाते हैं और ये आपका डिस्प्ले है जहाँ पे आपको टेम्परेचर का रीडिंग मिलता रहता है, और ये एक ये जो 4 यहाँ पे आपको इनपुट के लिए दिया जाता है। फर्स्ट 2 जो है ये आपका मतलब पावर इन के लिए होता है, बाकी 2 होता है जब आप आपको किसी इन चीजों को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो मुझे लेट से 21 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्स होना चाहिए और मिनिमम 16, तो अगर मैंने इसमें फिट कर दिया वो चीज को तो वो आपको उसके बाद क्या करेगा कि जब ये टेम्परेचर जब नापेगा एंड देखेगा कि टेम्परेचर एग्जैक्टली उस फिगर में आ जाता है तो या तो वो बंद कर देता है या ज़्यादा हाई होने लगता है, फिर वो ऑन कर देगा, सो दैट वो फिर से उस टेम्परेचर में वापस लाने के लिए इसको ऑन करके आपको चलाना शुरू कर देगा। ओके सो ये एक आपके रेफरेंस के लिए है। इसका ये रहा सेंसर, ये सेंसर रहेगा, आप ये आगे आप वीडियो में देख लेंगे पता चल जाएगा कि किस तरह से सेंसर ये काम करता है। और ये रहा मेरा SMPS, बगल में ही मैंने रख रखा है, इनको मैंने फीड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये +12 वोल्ट का है येलो, और ब्लैक वाला है जो ये है ब्लैक वाला आपका ग्राउंड वोल्टेज के लिए है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
मैं अब ऑन करने जा रहा हूँ अपना एसएमपीएस को, सो दैट आप पता देख सकते हैं, देख पाएंगे कि क्या एग्जैक्टली होने जा रहा है। सो मैं अभी रेफरेंस के लिए अभी फैन यूज नहीं करूँगा, बट उस जगह पे मैं एक कंटेनर में पानी और थोड़ा सा बर्फ यूज कर रहा हूँ, सो दैट आप देख पाएंगे कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ा रहा है या घटा रहा है। और अभी मैं यहाँ पे ये चीज डाल रहा हूँ। ओके सो आप देख पाएंगे कि ये चीज डल चुका है पानी के अंदर, थोड़ा सा बर्फ भी यूज कर रहा हूँ, सो दैट जो नीचे वाला, जो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो गर्म ज्यादा हो जाता है, तो वाटर ब्लॉक यूज कर सकते हैं उस जगह पे, एंड वो बेटर काम करेगा और जल्दी से आपको ये ठंडा या गर्म करेगा। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं, ये मेरे यहाँ का टेम्परेचर है रूम का, सो वो अभी वो कैप्चर कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स इसका यूज कर लेते हैं, आपको सामने दिख जाएगा। एंड ये है कंट्रोलर जो कि अभी मैं डालने वाला हूँ नीचे, तो अभी इसका नीचे का टेम्परेचर बहुत कम होगा। रीजन ये है कि मैंने इसमें बर्फ डाल के रखा है, सो दैट ये 15 डिग्री तक चला है एट प्रेजेंट, बहुत नीचे जाएगा ये। ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे ये चेक करना है कि कितना जल्दी ये गर्म होता है, एंड ऊपर वाला ये जो पेल्टियर का मॉड्यूल ऊपर में है, ये कितना जल्दी ठंडी होता है। सो आपको इसका यूज बाद में, आप कुछ किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं 10.8 तक चला जा चुका है। ठीक है, और मेरा एसएमपीएस ऑलरेडी ऑन है, सो दैट ये अपना पावर रिले कर रहा है यहाँ पे। सो चलिए देखते हैं कितना जल्दी ये कैप्चर करता है, और आप ये देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी बर्फ जमना स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, एंड थोड़ी देर में आपको ये जो अल्मोनियम का ये जो एरिया है ये ठंडा हो रहा है, और नीचे का तो ऑलरेडी ठंडा है, सो दैट जो जितनी भी गर्मी है वो निकल के आपका नीचे वाले रेडिएट एल्युमिनियम के ये जो है सिंक पे जा रही है, सो वो रिले वहां पे कर रहा है गर्मी। ठीक है, एंड एट प्रेजेंट आप ये देख सकते हैं 11.3 टेम्परेचर है पानी का। नाउ थोड़ी देर के बाद आपको इसमें, आप ये देख पाएंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा बर्फ जमना स्टार्ट हो रहा है। देखिए चारों ओर से आप देख पा रहे होंगे इतना जल्दी बर्फ जमा रही है ये, और आपको इसमें भी ऊपर में भी दिखने, थोड़ी देर में दिखना चालू हो जाएगी कितनी जल्दी बर्फ जमाएगी। ओके सो लेट्स वेट एंड वॉच। सो आप, मैंने ये सब चीज ट्राई कर चुका है, और आपको बेटर सजेशन अभी एट प्रेजेंट मैं दे सकता हूँ कि आप फैन यूज ना करें अगर हीट सिंक लगा रहे हैं, एंड तो उस जगह पे आप वाटर ब्लॉक लगाइए, वो बेटर काम करेगा। एट प्रेजेंट मैंने बस पानी के अंदर आइस डाल के रखा है, इसके कारण से ये जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा है, एंड टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा है, 12.2 हो चुका है, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ी देर में आपको ये बर्फ जमा देगा, और ये आप देख पा रहे हैं, लेट मी फोकस, देखिए चारों ओर से आपको किस तरह से जमा रहा है ये बर्फ ऊपर में। सो आप ये देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें फोकस अगर मैं अच्छी तरह से करूँ तो इसमें पानी के बबल्स आना शुरू हो गए हैं। सो ये जो ऊपर वाला ठंडा है, ये माइनस आपका 7-6 तक चला जाता है टेम्परेचर, दैट मीन्स कि आपको पूरी तरह से बर्फ जमा के दे सकता है ये पेल्टियर एक। सो इस जगह पे मैंने दो पेल्टियर यूज किया है जो कि बहुत अच्छा काम करता है,
आप भी कोशिश कर सकते हैं आगे के लिए, एंड इस पे आप नया नया कोई भी प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं। अभी का टेम्परेचर हम देख लेते हैं 13.2, सो ये बस नीचे का टेम्परेचर आपको मेजर कर रहा है। सो इसके रीजन से रीजन ये है कि 13.2 इसीलिए है कि बर्फ ऑलरेडी डाल के रखी है मैंने। यहाँ पे आप ब्लॉक देख सकते हैं बर्फ का, जो कि ठंडा है ऑलरेडी एंड बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। एंड आप चारों ओर देख सकते हैं किस तरह से इसने है ना बर्फ जमा दी है हमारे बात करते ही करते में। एंड अगर आप ज़्यादा देर थोड़ी देर और रुक जाएंगे तो अच्छा खासा बर्फ आपका इसमें भी जम जाएगा इस सिंक पे। एंड हम उसके बाद टेम्परेचर को नापना स्टार्ट करेंगे एंड ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है आपका टेम्परेचर नीचे का वाटर का 14.1 हो गया है। ये मैक्सिमम आपका जो नीचे का हीट होता है वो 50, 60, 70 तक चला जाता है, जो कि बैड है। सो अगर जब तक आप अगर नीचे वाला जो टेम्परेचर है अगर आप उसको रिलीज नहीं करोगे तब तक वो आपके ऊपर का ये जो अभी ठंडा जो जम रहा है वो काम उतना नहीं करेगा, उतना फ्रीक्वेंटली नहीं करेगा। अगर वो नीचे का टेम्परेचर आप बाहर निकाल देंगे, जितना गर्मी है उसकी बाहर निकाल देंगे, तो आपको दूसरी तरफ उतनी ही जल्दी ठंडा करेगा। सो इसीलिए आपको मैंने वाटर ब्लॉक के लिए यूज़ करने के लिए बोला है। सो आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से एक तरफ बर्फ जम चुकी है और एक तरफ ठंड हो चुकी है। उसका वाटर के ड्रॉप्स आप ये मॉइस्चर यूज़ कर अपने आप चारों ओर से जो हवा में होते हैं वो यूज़ करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। और अभी का टेम्परेचर है 15.7, ये बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे और ये बढ़ता जाएगा कुछ टाइम तक। एंड अगर अगर आप वो आपको मैं भी ये भी दिखा दूंगा कितना जल्दी ये बर्फ है ना ऊपर में कितना टेम्परेचर हो चुका है करंटली, सो दैट आप समझ पाएंगे कि अच्छा कितना जल्दी ये बर्फ जमाता है। लेट्स ट्राई फर्स्ट विथ एल्युमिनियम सिंक। सो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है, मैं अपना उंगली चिपका नहीं रहा हूँ। रीज़न ये है कि वो मेरा टेम्परेचर मेज़र करना स्टार्ट कर देगा। सो इसीलिए मैंने बस उसके वायर पे ही हाथ रख रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने चिपका दिया है एंड एट प्रेजेंट आप देख सकते हैं ये 8.2 दिखा रहा है, 8.5 दिखा रहा है, 9.1 दिखा रहा है। रीज़न यह है कि सही से वो हुआ नहीं है। लेट्स मैं मुझे इधर पे रखने दीजिए। अब यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, इसको मैंने चिपका दिया है यहाँ पे एंड इसका आप टेम्परेचर देख सकते हैं कितनी जल्दी से डाउन होता जा रहा है, -1, -2.8, कितना जल्दी ये टेम्परेचर नापता जा रहा है, राइट। सो बेनिफिशियल बहुत है ये। अगर आपको एसी तैयार करना है आप बना सकते हो पोर्टेबल एसी विद फैन, दोनों तरफ फैन हो सकता है वहाँ पे यूज़ करना। एक एग्जॉस्ट आपको गर्म बाहर निकालेगा, एक तरफ आपको ठंडा हवा देगा। रेस्ट अगर आप बैचलर हो तो बैचलर के लिए आपको ये रेफ्रिजरेटर का काम कर सकता है, बट आपको ज़्यादा यू नो कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये इजी टास्क है, आराम से आप घर पे बना सकते हो। हार्डली इट विल कॉस्ट यू 1000 रुपी, नॉट मोर देन दैट, और आराम से आप बना के तैयार कर सकते हैं अपना खुद का रेफ्रिजरेटर, ओके। सो अगर ये आप देख सकते हैं ये -4.4 तक जा चुका है, 4.2 तक जा चुका है। देखिए कितनी आराम से ये बर्फ कितनी ठंडी कर रहा है, इसमें आराम से बर्फ बन सकती है
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये -7 तक जा सकता है। सो ये तो आप देख चुके हैं कितनी अच्छी तरह से ये तैयार हो रहा है, ठीक है। -5.4 जा चुका है ऑलरेडी, एंड लेट्स सी कितना देर तक आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है इसका। -6.4, -6.6, 7, अब इससे 7.3, 7.5 माइनस में है ये सारा। तो आप ये सोच सकते हैं कितना ज्यादा अच्छी तरीके से ये गर्मी सॉरी ठंडी ठंडा कर सकता है आपका रेफ्रिजरेटर को। -7.8, -8.0, इसमें तो बहुत अच्छी तरह से बर्फ आपको जमा सकता है। एंड मैं दूसरी तरफ दिखा दूं, मैंने अभी पकड़ के रखा है एंड इसमें भी बर्फ जमना स्टार्ट हो चुका है जो मेजर करता है। सो आप ये देख सकते हो किस तरह से चारों ओर इसमें बर्फ जम चुकी है। लेट मी जस्ट रिमूव द फोकस करता हूँ, आप फोकस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से कितना बर्फ जम चुका है, कितनी अच्छी तरीके से जम चुका है। नाउ आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये बर्फ ज्यादा क्यों नहीं जम रही है यहाँ पे। रीजन ये है कि मॉइस्चर उतना ज्यादा नहीं है, बट यही चीज अगर आप आप अपना रेफ्रिजरेटर बनाते हो छोटा सा, तो उसमें आप दो चार कोक रख दीजिए एंड पानी का बोतल रख दीजिए, इवन दही रख सकते हैं, एंड वो आप देखेंगे विद इन 2-4 आवर के अंदर अंदर पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी। ओके एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा इस पेल्टियर यूज के लिए। नाउ साथ ही साथ जो पोल्ट्री फार्म में के बिजनेस में हैं, वो सब तो गर्मी उनको तो मुर्गी पालन में तो बहुत ही जरूरत पड़ती है, जब एग्स एंड ऑल जब उनको है ना मतलब बच्चों बच्चे निकालना पड़ता है एंड ऑल। सो उस टाइम हैच करने टाइम उनको एक गर्मी मेंटेन करनी पड़ती है, जिसके कारण से वो चिकन के चिकन्स निकलते हैं, ठीक है। सो उस टाइम ये यूज करते हैं, उसके ही उलट होता है गरम गरम एक मेंटेन करेंगे एंड वहाँ पे आप एक कंट्रोलर का यूज करके आराम से आप यूज कर सकते हैं। अभी -3 पॉइंट है, रीजन ये है कि पूरी तरह से कहीं चिपका नहीं है, तो इसके कारण से ही ये आपको ऐसा दिखा रहा है। बट आप आराम से क्लियरली चेक कर सकते हैं किस तरीके से ये ठंडी कर रही है। ओके आप देखते ही रहिए, आपको मैं नीचे का भी टेम्परेचर आप दिखा देता हूँ थोड़ी ही देर में, कि किस कितना टेम्परेचर ऊपर जिस तरह से दिया है। अब नीचे का पानी का टेम्परेचर हम देख लेते हैं। आपको ये चीज डाल दिया अंदर पानी के अंदर, अब आप देखिए इसका गर्मी कितनी जल्दी जल्दी पड़ रही है। अभी हमने जब इससे पहले देखा था तो ये कुछ 15 डिग्री तक चला जा चुका था। अभी मेरे जितने भी आइस थे वो पिघल चुके हैं एंड मुझे नहीं लगता कि जल्दी ज़्यादा टाइम तक ये कैपेबल होगा। अगर देखा जाए तो अभी 23 आराम से है, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण से बाद में ये ठंडा उतना नहीं दे पाएगा। उस बेस पे आप कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं उंगली अभी डाल रहा हूँ, मुझे उतना ठंडा नहीं मतलब ठंडा है अभी पानी, तो बर्फ तो उतनी ही जमा रहा है ये, बट धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। से फॉर एग्जांपल मुझे और आपको रेफरेंस के लिए और दिखा देता हूँ कि मैं इधर पे पानी टपका रहा हूँ, ठीक है, पेल्टियर के ऊपर में। ये देखते हैं कितना जल्दी आपको ये जमा के दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे पानी डल चुका है एंड लेट्स सी कितने देर में ये जमा देगा पानी को बर्फ में, ठीक है। ये आपका
चला गया पानी ऊपर। नाउ लेट्स नोटिस कितना जल्दी ये जमाता है पानी को। आप ये देख रहे होंगे कितनी कुछ ही सेकंड हुआ है मुझे पानी के ड्रॉप्स डाले इस पेल्टियर के दूसरे साइड में जहाँ पे बर्फ जमती है, ठंडा करता है, एंड इसने ऑलमोस्ट जमा चुका है बर्फ को। अब मैं वो पानी पानी नहीं रहा, बर्फ बन चुका है। सो निकाल तो मैं सकता नहीं हूँ, रीज़न ये है कि वो जम चुका है। ठीक है, तो आपको मैंने अच्छी तरीके से दिखा दिया है। लेट्स सी कि ये जो बर्फ जम चुका है इसके ऊपर बर्फ बनाता है कि नहीं बनाता है, या बोले तो वो जो आपका ये जो हीट पेस्ट मैंने जो लगाया था उसमें है ना ये चिल करता है कि नहीं करता है। लेट्स सी दैट। ठीक है, सो धीरे धीरे वाइट होता रहेगा, चारों ओर से वाइट कर देगा, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये उतना ठंडा कर चुका है एंड चारों ओर से पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है ये। बट एज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो मेजर करने वाला टेम्परेचर कंट्रोलर है, टेम्परेचर नोटिस करता है जो, उसको मैंने डाल के रखा है, उसमें 26.2 हो चुका है ऑलरेडी, एंड ऊपर में उसी तरीके से आपको ठंडा भी दे रहा है और नीचे से गर्मी खींचता जा रहा है। ऑलवेज अगर आपको सस्ते में डालना है बेटर है वाटर ब्लॉक का यूज़ कीजिए, ताकि वो गर्म एक मोटर एक्स्ट्रा लगा के वाटर ब्लॉक के साथ साथ वो गर्म पानी एक कंटेनर में डालते रहिए एंड आराम से आप बर्फ का यूज़ कीजिए। सो देख सकते हैं आप किस तरह से इसने ठंडा कर दिया है चारों ओर से, बहुत ही अच्छी तरह से। मैं ये देख सकता हूँ कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे बर्फ जमा चुका है ये। अब इससे ज़्यादा बर्फ आप एक्सपेक्ट करेंगे तो वो रेफ्रिजरेटर में ही यूज़ होगा। अगर लाइक माय वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब, सो दैट इन फ्यूचर मैं और भी नए नए कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करूँगा एंड आपके सामने वो वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन थैंक्स ऑल, बाय बाय।